सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 2019 आते आते बहुत से कंपनी ने बहुत सारी फोन लॉन्च कर दिया है। किसी का प्रोसेसर अच्छा है, किसी का रैम अच्छा है, किसी का डिस्प्ले अच्छा है। अभी क्या है, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम हो रहे फोन लेने के टाइम पे, वो सैमसंग के फोन ले या साउंड के फोन ले या रियलमी के फोन ले, क्योंकि सैमसंग के फोन के एक स्पेशलिटी है, वो है डिस्प्ले। सैमसंग में या सिर्फ सैमसंग के फोन में कम प्राइस में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मगर बाकी जितना भी कंपनी है वो सब में सब IPS LCD मिलता है। एक्चुअली IPS LCD और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में क्या अंतर है, ये चीज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी डाउट है। एक्चुअली ये क्या है, तो आज आप इस वीडियो देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले और IPS LCD डिस्प्ले के अंदर अंतर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। चलिए जान लेते हैं ये दोनों डिस्प्ले में फ़र्क क्या है और कौन सा डिस्प्ले आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों हम लोग ज़्यादातर फ़ोन में ही देखते हैं IPS LCD डिस्प्ले। एक्चुअली IPS डिस्प्ले होता क्या है, तो पहले हम जाए अगर देखें तो डिस्प्ले के इतिहास अगर देखें तो इसमें बहुत पुराना जब आता था वो था TM पैनल। TM पैनल बहुत ही ज़्यादा होता था, मोटा होता था, तो उसके लिए वो ज़्यादा पावर भी लेता था, तो बाद में वो क्या हो वो चला गया, उसके बाद आया LCD डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले में बहुत से अंतर है, बहुत से भाग है, जैसे IPS से, सुपर IPS से, TFT है, ऐसा बहुत है। तो इसमें TFT जो डिस्प्ले वो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 तक हम लोग देखा है कि TFT डिस्प्ले बहुत ही चला, तो बाद में वो भी बंद हो गया। उसके बाद आया क्या, IPS LCD डिस्प्ले। आज हम लोग ज़्यादातर फ़ोन में IPS LCD देखते हैं और सैमसंग के फ़ोन में हम लोग देखते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एक्चुअली IPS LCD क्या है, IPS LCD डिस्प्ले एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो जिसमें जो डिस्प्ले रहता है वो डिस्प्ले तो रहता है ऊपर, मगर उसके नीचे से लाइट देता है। जब नीचे से लाइट देता है तो डिस्प्ले के ऊपर जो जो हम लोग देखते हैं पिक्चर देखते हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छा देखते हैं। और दूसरा क्या है, सनलाइट के अंदर अगर हम लोग वो पिक्चर देखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब सनलाइट में हम लोग कोई भी इमेज देख सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा है LCD पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए LCD डिस्प्ले बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये है IPS LCD डिस्प्ले। एक्चुअली IPS LCD में जो कलर देखते हैं वो नॉर्मल कलर रहता है और कुछ नहीं। और उसमें एक दिक्कत होता है कि IPS LCD के नीचे जो लाइट रहता है वो हर टाइम जलते ही रहते हैं, मतलब जब भी आप ऑन करो तभी पूरा डिस्प्ले को जलते रहे हैं, डिस्प्ले जलते रहते हैं, इसीलिए पावर थोड़ा ज़्यादा। आपको बोलूँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बाद, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें टोटल डिस्प्ले के ऊपर ही छोटा छोटा LED लगा के रखा है। तो ये क्या करता है, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले में जो छोटा छोटा LED लगा के रखा है तो वो LED जब भी कोई ब्लैक सीन आता है तो टोटली वो LED बंद हो जाता है, यानी कि टोटल डार्कनेस वहाँ पे दिखाई देता है। मगर जब हम लोग या IPS LCD में देखते ये चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं देता। और दूसरा क्या है, उसके एक एक पिक्सल के लिए एक एक LED इस्तेमाल करके किया है, उसीलिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले का जो कलर होता है बहुत ही पंची कलर होता है, आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आप कोई गेम खेलो या सिनेमा देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसका कलर ही एक अलग तरीके से होता है। जैसे आप अगर किसी दूसरे रेडमी के या रियलमी के कोई फ़ोन में एक फ़ोटो लो लेके उसको अगर आप सैमसंग के M30 में या A50 में या A30 में आप उसी पिक्चर को देखो तो दोनों डिस्प्ले में अलग अलग दिखेगा, मतलब जो सुपर एमोलेड में देखोगे तब बहुत ही अच्छा लगेगा, मगर नॉर्मली जब आप LCD डिस्प्ले में देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली आपको अगर कोई फ़ोन चाहिए जो आप ले रहे हो कोई सॉन्ग सुनने के लिए या मूवी देखने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो, गेम खेलते हो ज़्यादातर, तो आपके लिए ये सही है। मतलब आपको जब सैमसंग के कोई फ़ोन लेना होगा तो आप M30 या A30, A50 ये फ़ोनों के फ़ोन जो भी है इसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल नहीं है, मगर गेम PUBG के जैसा गेम भी चल जाएगा। मगर Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 या Realme 3, Realme 2
3 प्रो इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी गेम आराम से आप चला सकते हो। मगर हाई सेटिंग में जब खेलोगे सैमसंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर रेडमी में या रियलमी में आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसको आप सिनेमा देखने के लिए इस्तेमाल करते हो या कार्टून देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, आपको ज़्यादा हेवी गेम के ज़रूरत नहीं है, मतलब आप फुल HD में गेम नहीं खेलना चाहते हो, आप नॉर्मल ग्राफिक्स में गेम खेलना चाहते हो, तो आपके लिए सैमसंग के M30 A30 बहुत ही अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसका कीमत भी कुछ रेडमी नोट 7 प्रो के नज़दीक ही है, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो कुछ आता है 14,000 में और ये कुछ आता है 15-16,000 में। यानी कि आप अच्छे अगर डिस्प्ले चाहिए या डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छे चाहिए, बैटरी अगर अच्छा चाहिए, तो आपके लिए सैमसंग के फ़ोन एकदम सही है। और अगर सिर्फ डिस्प्ले आपके लिए सही है, मतलब आप सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर ही देखना चाहते हो, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप सैमसंग के फ़ोन आप ले सकते हो, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले भी अच्छा होता है, कैमरा भी बहुत ही अच्छा होता है, कैमरा कुछ ख़राब नहीं होता, क्योंकि रेडमी नोट 7 का जो कैमरा उससे आप अगर देखोगे तो सैमसंग M20 के कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए आपको अगर डिस्प्ले प्रायोरिटी देता है कि आप डिस्प्ले एक अच्छा चाहते हो, तो आप सैमसंग के फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि आँखों के लिए जो कलर है वो सैमसंग में बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो से हेल्प होगा, कौन से डिस्प्ले आपके लिए अच्छा है, आप कौन सा लेने चाहते हो, और LCD IPS LCD डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर क्या अंतर है, ये भी आप जान चुके हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि हम लोग जब भी कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।